वेलकम स्टूडेंट। सो आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। जो लास्ट दो क्लासेस था मेरा, एक तो हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में देखे, दूसरा उसका भी पहले जो मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में हमने देखे। तो आज हम चालू करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। एंड बिफोर गोइंग टू दिस न्यूटन सेकेंड लॉ, वी हैव टू लर्न अबाउट लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम क्या है ये हमको जानना पड़ेगा। मैंने इधर जो आप स्क्रीन में देख रहे हो डेफिनेशन वगैरह, उसका फॉर्मूला वगैरह सब तो है, तो उसे जाने से पहले मैं एक बार एक रियल टाइम आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपकी तरह एक तरफ एक बाईसाइकिल आ रहा है, एक बाईसाइकिल राइडर बाईसाइकिल, तो आप वो बाईसाइकिल को आपका सामने दो हाथ आगे बढ़ा के उसको रोक सकते हो। दिक्कत होगा, थोड़ा सा चोट आ सकता है, लेकिन आप रोक पाओगे। बट आपकी तरह एक फुल पंजाब ट्रक आ रहा है जो हैवी लोडेड है, फुल्ली लोडेड ट्रक, अगर आप वही चीज उसको करने जाओ तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जो बाइसाइकिल राइडर आपके पास आपकी तरफ आ रहा था, सपोज उसका वेलोसिटी था 10 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रक भी आपकी तरफ आ रहा था उसका भी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों का वेलोसिटी सेम, फिर भी आप क्या ट्रक को अपनी दो हाथ से रोक सकते हो, ढकेल के? नहीं रोक सकते। क्यों? आसान सा सवाल है, बाइसाइकिल के मुकाबले ट्रक का मास बहुत ज्यादा है। तो देखो, ये जो हम रोक नहीं पा रहे हैं, इसमें मास एक रोल तो जरूर कर रहा है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। ये जो चीज जिसके वजह से हम एक बाइसाइकिल को तो रोक देते हैं बट एक फुल पंजाब ट्रक को नहीं रोक पाते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अभी इसका डेफिनेशन में आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाई लेटर कैपिटल पी। सो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम वी। देखो, अभी फुल पंजाब का मास सोचो और बाइसाइकिल का मास सोचो, वेलोसिटी तो दोनों का ही 10 मैंने बोला था, तो किस वजह से हम उसको रोक नहीं पाए, एक फुल पंजाब ट्रक को क्यों नहीं रोक पाएंगे? इसका कारण है उसका लीनियर मोमेंटम, उसका ह्यूज मास, जो ये प्रोडक्ट को बहुत बड़ा एक डिजिट देता है, जिसको रोकने के लिए उसके अगेंस्ट में जो फोर्स चाहिए वो हम नहीं दे सकते। सो द कंक्लूशन इज द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी भी जितना ज्यादा मोमेंटम भी उतना ज्यादा। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज मोमेंटम हैव अ डिरेक्शन। Now magnitude of momentum, P is equal to mass into speed, P is equal to mv, we know that. Direction of a momentum of a body is same as that the direction of the velocity of a body. जिस direction में velocity है वही उसका direction, momentum का direction है। Now उसका units के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, units of momentum। देखो, momentum तो mass into velocity है, तो मास का यूनिट क्या है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। सो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी केजी मीटर पर सेकंड, एंड सीजीएस यूनिट विल बी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ द अदर यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड।
तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हो सकता है और इसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल्स में जानेंगे। अभी जो नोट इधर मैंने किए थे, ये जो नोट जो आपको जानना ही है वो क्या है, ए लीनियर मोमेंटम हैज़ ए सेंस ऑफ डिरेक्शन देयरफॉर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बोला है इसके बारे में आपको, एंड द डिरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज़ अ सेम दैट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट। जिस डिरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डिरेक्शन में लीनियर मोमेंट का डिरेक्शन होगा। ए बॉडी मूविंग इन अ कार पाथ, अगर वो कार में रोटेट कर रहा है, द डिरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज अ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, देयरफॉर द डिरेक्शन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो टेंजेंशियल। तो ये तो गया मोमेंटम, अभी आ जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the change in momentum of a body per unit time is directly proportional to the unbalanced force acting on the body and the change in momentum take place in the direction of unbalanced force on the body। ek cheez dekho, phaila wala example fir se hum pakad lete hain। ek jo bicycle rider tha wo aapki taraf aa raha hai, चलो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज एक बाइसाइकिल जो राइडर है, पकड़ लो ये एक बाइसाइकिल है, नाउ ये जो बाइसाइकिल राइडर आपकी तरफ आ रहा है, आप इधर खड़े हो, ये आप हो, सो ये जो बाइक साइकिल का मास कितना है और आप उसको ऐसे रोकना चाहते हो, आपका हाथों से उसको रोकना चाहते हो, आप पिक्चर में मत जाओ, मैं जो समझाना चाहता हूं उसको समझो। आप उसको आपका अपना हाथ से रोकना चाहते हो तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको जरूर फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज ये जो बाइसाइकिल है इसका मास है 20 kg, एंड उसका वेलोसिटी है 5 m/s, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको मालूम पड़ता है। कैसे? सपोज आपने जब इसको फोर्स लगाया तो उसको पकड़ते पकड़ते तो ये रोका नहीं, थोड़ा सा सामने आपकी तरफ भी आ गया था। ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग सपोज पकड़ लो आपको 2 seconds टाइम लगा, उसको पूरा रोकने के लिए आपको 2 seconds टाइम लगा। तो जब साइकिल आपकी ओर आ रहा था उसका मोमेंटम कितना था, P=mv, सो मास इज 20 एंड वेलोसिटी इज 5, सो 100 kg/s। यह है इसका अमाउंट, दैट इज लेट्स सपोज दैट इज P1। नाउ जब ये रुक गया तो इसका वेलोसिटी जीरो हो गया,
तो दैट टाइम इसका मोमेंटम कितना होगा? पी टू विल बी 20 जो मास है, बट वेलोसिटी नाउ जीरो, सो द फाइनल इज जीरो, पी टू इज जीरो। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ? चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू आपका 100 माइनस जीरो, 100 माइनस जीरो दैट इज 100। तो ये है चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये चेंज करने के लिए आपको 2 सेकेंड टाइम लगा। तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ के द फोर्स विल बी, आपने कितना फोर्स अप्लाई किया ये रोका, बिकॉज आपने इसके अगेंस्ट में आपने फोर्स अप्लाई किए, दैट इज व्हाई ये रुके, इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ। तो इफ will be this change of velocity, change of momentum, sorry, P1 minus P2 by T, unit time, कितना time आपको लगा। So that will be 100 by 2, that is 50 Newton. So आपने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए तब जाके ये बाइसाइकिल रुका। तो देखो ये न्यूटन सेकेंड लॉ से फर्स्ट हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। कैसे? द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स और इक्वल टू द फोर्स, यू कैन से। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑल्सो। So again we go back to the, so see here the force A proportional dp, that means change of momentum dt, the time taken, where dp is the change in momentum and dt is the time taken for this change in momentum. Now derivation of second law of motion, ye kaise derivation? Consider a body of mass m moving with a initial velocity u. Let force F act on a body for a time. Initial momentum will be Pi is equal to mu, final momentum of the body Pf is equal to mv, and that is, चलो एक काम करते हैं, इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। नया पेज ले लेते हैं। अच्छा देखो, सपोज एक बॉल है, बॉल का मास है m, ये एक इनिशियल वेलोसिटी u से इस तरफ चल रहा था, एंड हम सडनली उसमें एक फोर्स अप्लाई किए दैट इज f, एफ अमाउंट ऑफ फोर्स उसी डिरेक्शन में जिस डिरेक्शन में बॉल जा रहा था हमने उसमें अप्लाई किए। तो हमने क्या देखा, कुछ टाइम बाद ये बॉल तो इधर आ गए, कितना टाइम बाद, लेट सपोज 30 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद बॉल इधर आ गया, एंड बॉल का अभी जो वेलोसिटी है वो वी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इसमें देखो जो इनिशियल में उसका मास था m एंड उसका वेलोसिटी था u, सो इनिशियल मोमेंटम pi विल बी हाउ मच, mu, एंड फाइनल मोमेंटम क्योंकि इसका मास तो m ही है, मास तो चेंज नहीं होता, तो pf फाइनल मोमेंटम।
is mv. Now change of momentum, del p change of momentum will be pf minus pi, matlab final momentum minus initial momentum, and that would be m. अगर कॉमन ले लेते हैं v माइनस u. नाउ अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले, मतलब ये तो चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, कितने हार्ट से कमा, तो ये टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा उसका. अगर रेट निकालने जाते हैं किसी चीज़ को तो उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, और किसी और यूनिट का रेट निकालना चाहता है तो उस यूनिट से डिवाइड करना पड़ता है. तो इधर टाइम है सेकेंड फैक्टर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम will be how much? Is equal to m v minus u by p. So this is the rate of change of momentum. Now by Newton's second law, that rate of change of momentum is proportional to f. So f proportional m v minus u by t. अभी ध्यान से ये वाला टर्म देखो, v माइनस यू बाई टी, ये कोई जाना पहचाना लग रहा है. यस, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम इज कॉल एक्सीलरेशन. सो इंस्टेड ऑफ दिस v माइनस यू वी कैन राइट एक्सीलरेशन a, तो दैट टाइम वी कैन राइट f proportionate ma. Now if you want to remove this proportionate sign and want to bring the equal to sign, then we have to take a constant. So that time that will be f is equal to k m a. This k is proportionality constant. Now agar aapka 1 newton force se आप एक किलो मास का कुछ बॉल को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन तैयार हुआ है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? द वैल्यू ऑफ के विल बी 1, बिकॉज 1/1 इज 1. एट दैट आइडियल कंडीशन वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू ma, and that is the formula of finding out the force. So ye pehli bar humko Newton's second law se mila, f is equal to ma. Now aur ek important cheez dekho, ye jo Newton ka second law hai, ye law se bhi hum first law ka prove kar sakte hain. Kaise? देखो, कोई भी चीज़ का तो मास जीरो नहीं हो सकता है. हो सकता है तो फोर्स जीरो हो सकता है, हो सकता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है. तो हम अगर फोर्स को जीरो पकड़ ले तो दिस एम ए वैल्यू ऑल्सो जीरो, एम नेवर बी जीरो, देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो. एम आई राइट? इफ द वैल्यू ऑफ एफ इज जीरो, देन एम ए विल बी जीरो and m never equal to zero because it is a mass, so then definitely acceleration equal to zero. ये जो हुआ इस statement से, अगर इसको हम statement से बोले कि किसी भी object के ऊपर
अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वो ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है। अगर आपने फोर्स अप्लाई नहीं किए हो तो उसका एक्सीलरेशन जीरो, मतलब वो यूनिफॉर्म स्टेट में रहेगा। इफ इट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन देन इट ऑलवेज बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन, एंड इफ इट इज इन अ रेस्ट कंडीशन देन इट इज ऑलवेज बी इन अ रेस्ट कंडीशन। दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। सो बाय दिस फॉर्मूला ओनली वी कैन इजीली एस्टेब्लिश न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑल्सो। ओके, नाउ अगेन मूव टू द बुक। सो व्हाट आई शोन दैट इज हियर ऑलरेडी वी एस्टेब्लिश्ड एफ इज इक्वल टू एम ए। So thus, force acting on a body is directly proportional to its mass and its acceleration. And equation 1 gives the mathematical form of Newton's second law of motion. So this is the mathematical form of Newton's second law of motion. Now, ये जो Newton's second law है, इसको vector से भी हम prove कर सकते हैं। We know force F is equal to vector. इको फोर्स तो वेक्टर है एंड एक्सीलरेशन ए ऑल्सो इज अ वेक्टर। सो वेयर एज ए मस इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी रिटेन इन अ वेक्टर फॉर्म लाइक दैट, ए वेक्टर एम स्केलर ए वेक्टर। दिस रिलेशन शोज दैट डिरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज सेम एज द दैट ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। सो जिस डिरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डिरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने दिखाया कि अगर फोर्स अप्लाई नहीं होता है, वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कॉन्स्टेंट दैट इज यू, v is equal to u, then f is equal to m0, f is equal to 0. Thus, no force is required to move a body with a constant velocity or uniform velocity, जो मैंने दिखाया मेरी तरह से। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, वैसे भी दिखा सकते हो, चॉइस आपका है, जो अच्छा लगे उसको दिखाना। सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आराम से जो फर्स्ट लॉ है उसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स इधर से ही आ जाता है, एफ इजिकल टू एम ए, तो मास का यूनिट है के जी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज न्यूटन। सो वन न्यूटन इज इक्वल टू वन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ डेफिनेशन ऑफ न्यूटन, द फोर्स इज सेड टू बी वन न्यूटन इफ इट प्रोड्यूस 1 meter per second square acceleration in a body of 1 kg mass. And CGS unit of that force, how can we calculate? Simple, take a CGS unit of mass and take a CGS unit of acceleration. And we know the CGS unit of mass is gram, that is 1 gram, and acceleration 1 centimeter second square. So it is gram centimeter second square. And we know 1 gram centimeter सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज वन डाइन, एक डाइन उसको बोलते हैं। तो एक डाइन मतलब द फोर्स इज सेड टू बी वन डाइन इफ इट प्रोड्यूस वन सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन इन अ बॉडी ऑफ वन ग्राम मास। एंड रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन कैसे करना है, वन न्यूटन इज इक्वल टू वन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वन के जी मतलब 10^3 ग्राम, 1 meter मतलब 10^2 centimeter. So write down those value in that equation, equation number 1. So 1 newton is equal to 10^3 gram into 10^2 centimeter per second square. So ultimately you get 10^5 gram centimeter square, centimeter second square per second square. So this is a dyne. So we know 1 gram centimeter per second square is 1 dyne. So 1 newton is equal to 10^5 dyne. It is proved. Sometimes this question is asked to prove that. Sometimes this relation is needed for numerical problem also. So you should remember that. इसको याद रखना है।
क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करना देता है, प्रूफ दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन. सो दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इधर बहुत एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्व भी है, लेकिन ये जो सॉल्व है इसको लेके मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा. फिलहाल जो थ्योरी का मैं वीडियो बना रहा हूँ, थ्योरी में ये मैथमेटिक न्यूमेरिक्स एंड अदर्स क्वेश्चन को ना रखना ही अच्छा है. एक चीज़ जो आप देख सकते हो, न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो मैं पहले भी हमने देखे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डिरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमने बोला, तो जो हमने दिखाया भी, दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट इज वेरी वाइटल वन. बाई दिस वन ओनली यू कैन गेट द फेमस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए. थैंक यू. नेक्स्ट डे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर क्लास करेंगे.